श्रद्धेय स्वामी जी और मंच में विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय संघर्षशील और आप सबके तपाईहरु को सबै को हृदय में जिनको प्रति बहुत सम्मान छ, यस्ता हमारा माननीय विमल गुरुंग जी और यहाँ उपस्थित सबै दाजू भाई दीदी बहनीहरु और प्रिय बाबूहरु बच्चाहरु, मेरो नेपाली मिक्स टाइप छ, म प्रयास गर्छु नेपालीमा बोल्नको लागि। यो दार्जिलिङको लागि और गोर्खाल्यान्डको लागि यो भन्दा ठुलो के आशीर्वाद हुन सक्दैन थियो जो श्रद्धेय स्वामीजीले दिनुभयो। एउटा यस्तो व्यक्तित्व जो सम्पूर्ण विश्वमा आफ्नो संकल्पको लागि, आफ्नो तप र पुरुषार्थको लागि आफ्नो संकल्पलाई कति पनि विपत्ति आओस् फेरि पनि त्यसको पूरा गर्नको लागि अडिग रहने व्यक्तित्वको रूपमा जो पहिचान छ, एक तपस्वीको उद्बोधन मैले पनि सोचेको थिएन श्रद्धेय स्वामीजीले इस भूमिको लागि, यहाँको जनताको लागि यति गहिराईले यति हृदयले सम्पूर्ण शक्ति र ऊर्जाले यस्तो भन्नुहुन्छ होला भन्ने जस्तो मलाई थिएन। तो निश्चित रूपमा जहिले मैलेसम्म सोचेको थिएन भने मलाई थाहा छ कि तपाईँहरूले पनि कसैले पनि त्यस्तो सोचेको थिएन होला जस्तो श्रद्धेय स्वामीजीले भन्नुभयो। और यो बहुत ठुलो कुरा हो, प्रसन्नताको कुरा हो कि तपाईँहरूको हृदयमा जो एउटा अग्नि जलिरहेको छ, एउटा ज्वाला उठिरहेको छ, त्यो ज्वालालाई त्यो अग्निलाई और ऊर्जावान बनाएर शक्तिशाली बनाएर और एक आवाज आज श्रद्धेय स्वामीजीले दिनुभयो। निश्चित रूपमा तपाईँहरूको संकल्प श्रद्धेय स्वामीजीको आशीर्वादले पूर्ण हुन्छ, यसमा कोही संशय छैन। तपले पुरुषार्थले श्रद्धेय स्वामीजी ने कहा, बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलता है, हमको तो अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए तो फिर लड़ना सीखो, कहीं कमी है शायद इसीलिए हमसे हमारा अधिकार थोड़ा सा दूर है। हाम्रो स्वाभिमान हामीले किन सुरु गरेको, त्यसको पछि एउटा सोच र एउटा अवधारणा थियो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि जब व्यवस्था परिवर्तनको अभियानमा श्रद्धेय स्वामीजी पूर्ण ताकतले लग्नुभयो, त्यतिखेर श्रद्धेय स्वामीजी तो जैसे आज जोरदार भाषण दे देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, उद्बोधन दे देते हैं, देश को जगा देते हैं, लोग जग जाते हैं, तो जगने वाले तो कम जगते हैं, चिढ़ने वाले ज्यादा चिढ़ जाते हैं, फिर मुसीबत करते हैं, झेलना हमको पड़ता है। तो जो है उसका ही परिणाम था कि श्रद्धेय स्वामी जी ने जो जागृति का अभियान शुरू किया, उस अभियान में बहुतों को पेट में दर्द हुआ, बहुत बेचैन और परेशान हुए। सोचा कुछ दुष्टों ने, आपको पता है वो लोग कौन कौन से लोग हैं, ऐसे लोग ने, एक व्यक्ति की मैं बात करना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले मुझे, शायद आप लोगों ने सुना होगा शब्द, हमको न जाने क्या क्या कहा, भगोड़ा और नेपाल से भाग करके आया, ये गुंडा है, ये है, फलाना है, पर जब मेरे को जेल में पहुंचा दिया तो उसने बहुत प्यारी बात कही, आचार्य बालकृष्ण भारतवर्ष के गौरव हैं, हमारे लिए आदर्श हैं और आयुर्वेद के धुरंधर हैं। मैंने सोचा कि जो आदमी मुझे गाली देता नहीं अघाता था, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो बाद में उसने धीरे से कहा कि बाबा रामदेव की सारी राज यह जानता है, इसीलिए बाबा रामदेव जो है कहीं आचार्य बालकृष्ण जी को न मरा दें, यानी कि श्रद्धेय स्वामी जी को परेशान, उनको
कि हमको जेल में मरवा दें, जेल में मरवा करके सदैव स्वामी जी को जेल में डालने के लिए उनके सर पर डाल दें कि बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण को मरवा दिया। इस हद तक इस देश में षड्यंत्र हुआ। जब हमने देखा कि जब हमारे पास इतना जन समुदाय है, हमारी आंखों में आंसू होती है तो लोहे लोगों के आंसू में आग की सोले निकलते हैं, हमको आह भी हम करते हैं तो लोग मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जब इतने जन समुदाय करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में वो प्यार, वो संवेदनाएं, वो भावनाएं सब कुछ होते हुए जब ये कुटिल लोग, ये राष्ट्रद्रोही अपने आप को देशभक्त के चोचली एक चद्दर को ओढ़ करके एक घोसला को लेकर के जीने वाले हमारी राष्ट्रभक्ति को, हमारी राष्ट्रवाद को चुनौती दे सकते हैं, तो हमको उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो परेशान हैं। राजनीतिक षड्यंत्र कैसे होते हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हमने नजदीक से देखा है और भुगता है, क्योंकि आप आंदोलन में रहे हैं इसलिए आप महसूस कर सकते हैं। गुरु जी या जो टीम है, दूसरे जो लोग हैं, वो महसूस कर सकते हैं कैसे षड्यंत्र करते हैं। उस षड्यंत्र की बू इस दार्जिलिंग की भूमि में भी आता है। मैंने पूछा, आते ही आपको टुकड़ा टुकड़ा करने का अभियान चल चुका है। राई अलग, लिंबू अलग, दो अलग, वो कमेटी बना दो, वो सोसाइटी बना दो, वो संगठन बना दो, उसका उसको अलग कर दो, इससे क्या होगा, दो चार लोगों को मलाई मिलेगी, बाकी लोग भटकती रहेगी, ग्रुपों में बैठ जाएंगे, किसी के पीछे कुछ हो जाएंगे, किसके पीछे कुछ हो जाएंगे, दूसरों के पीछे कुछ हो जाएंगे, और तुम्हारा जो महान लक्ष्य है उससे तुम वंचित रह जाओगे। यही दुनिया के लोग चाहते हैं, आप इसको स्वीकार मत करना। यदि कोई कहे तो कहना, यह भीख हमको नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, हम जैसे भी हैं, चाहिए तो सबको चाहिए, नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए। इस संकल्प के साथ जब तक आप नहीं जियोगे, एक एक कर करके मारे जाओगे, एक एक कर करके तोड़े जाओगे। अभी तक वर्षों गुजर गए हैं और वर्षों गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने हम स्वाभिमान का स्लोगन संघे शक्ति कलयुगे हमने इसलिए रखा। संगठन में रहोगे, एक रहोगे, जुट करके रहोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो हमने देखा जब हमारे जैसे को, हालांकि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक दो बार मैंने इस बात की चर्चा की है, आज मेरा मन कर रहा है, मैं जेल में भी रहा, मैं आपको बता दूं मजा ये आया, हम तो बड़े आनंद में थे, मैं मस्ती में रहता था, तो आते थे कुछ नेता पेता भी आते थे, पहुंचते थे, वो सूचनाएं देते थे कि बोले वहां वो बहुत मस्ती में हैं, बहुत आनंद में हैं, तो वो परेशान होते थे, बोले हमने तो परेशान करने के लिए वहां भेजा था, वहां भी आनंद में है, इससे भी उनको और परेशानी होती रही। और मैं आपको बता दूं जेल में जो लोग भी जैसे भी थे, उन लोगों ने मुझको पानी तक नहीं पीने देते थे कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ हो। पहले वो पानी पीते थे, जो खाना होता था पहले वो खाते थे, कि आचार्य जी यदि हम मर गए तो हमारा कोई काम देश के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर देश के लिए आपको जीवित रहना जरूरी है। इस तरह से वहां भी हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने भेज रखा था। तो इसीलिए भगवान ने आपको जो ऊर्जा दी है, जो शक्ति दी है, उस ऊर्जा और शक्तियों को आप संगठित होकर के लगाना। नेपाली शब्द बोलते ही मैंने देखा कि हमारे पूरे देश के अंदर एक भाव जगता है कि नेपाली बोलने से गोरखाली बोलने पर वह थोड़ा भाव कम आता है कि यह नेपाल से आया हुआ होगा, पर नेपाली बोलने पर सीधा यह भाव आता है कि नेपाल से अभी उठ करके आया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, गोरखाली हमारा स्वाभिमान है, हमारा वीरता का, हमारे पूर्वजों का, हमारे वीरों का, शहीदों का, जो शहादत का एक हमारा ज्वलंत, एक हमारा पहचान है। तो मैं एक बात कहूं तो नेपाली हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हमको दोनों शब्द के लिए हमको स्वाभिमान होना चाहिए। और यदि मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो सीना तान करके, सीना ठोक करके हमको मैदान में आना होगा। जितना इस भारतवर्ष के अंदर दूसरे लोगों को अधिकार है, वह अधिकार हमको है, हमको ज्यादा अधिकार है, क्योंकि जब इस मां भारती के बलिवेदी पर मरने मिटने की बारी आती है, गोरखा रेजिमेंट सबसे आगे होता है, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार है। ये भाव,
यह ऊर्जा, यह शक्ति हमको देश के कोने कोने पर पहुंचाना पड़ेगा। इस शक्ति को हमको जगाना होगा, क्योंकि हम जैसे श्रद्धे स्वामी जी ने कहा, गोरखाली नेपाली जो जिसके हृदय के अंदर जो भावना और संवेदना होता है, ठीक है, इस देश के लोगों में बहुत सारे लोगों के मन में गोरखाली नेपाली कहते ही एक भाव आता है, वो चौकीदार होगा, वह दरबान होगा, डंडा लेकर के खड़े रहने वाला होगा। ठीक है, हम दरबान होंगे, पर वहां भी एक ईमानदारी की एक उसकी कल्पना होती है। हम चाहे राजा हैं, चाहे प्रजा हैं, चाहे दरबान हैं, चाहे सेठ साहूकार हैं, जहां भी हम ईमानदार हैं, स्वामी भक्ति हमारी पहचान है। उस स्वामी भक्ति की वजह से सारी दुनिया हमको जानती है। तो स्वामी भक्ति के साथ अब हमको स्वाभिमान की आवश्यकता है। उस स्वाभिमान को हमको जगाना होगा। हम अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से पूरे देश के लोगों के अंदर यह जो मिथ्या अवधारणा है, इस कार्य के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के मैं कहता हूं कि पूरे गोरखाली नेपाली समुदाय को श्रद्धेय स्वामी जी का ऋणी है, ऋणी हम हैं, और मानना चाहिए कि स्वामी जी का ऐसा ऋण है शायद हम बरसों चुका ना पाए, क्योंकि आस्था और संस्कार के माध्यम से मैंने इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारे नेपाली भाषा के कार्यक्रम, इतने सारे नेपाली गोरखाली समुदाय के कार्यक्रम पूरे देश में पहुंचाया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप तो यहां रहते हैं यहां पर दार्जिलिंग में, क्योंकि दूसरा समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। जब आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों में, शहरों में जाते हैं, मेरे बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको ऐसी इस तरह से घूर करके देखा जाता है जैसे न जाने ये कहीं चाइना से या कहीं कोरिया से लौट करके आए हों। हम कुत्सित मानसिकता है, उसको निकालने का कार्य, उसको खत्म करने का कार्य हमने जो कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नया स्वरूप बनाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए जो श्रद्धेय स्वामी जी का जो ऋण है पूरे देश के अंदर, श्रद्धेय स्वामी जी ने जो योग के लिए दिया, जो आयुर्वेद के लिए दिया, जो मां भारती के लिए जीते हैं, जो संपूर्ण जीवन को उन्होंने लगाया हुआ है, वह तो अपने आप में अद्भुत है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। उस ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। पर मैं गोरखाली नेपाली समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे पहचान को एक पहुंच तक पहुंचाने का कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी ने किया है। और आज जिन शब्दों को श्रद्धेय स्वामी जी ने किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा दूसरा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि स्वामी जी का कहने का अर्थ आप जानते हैं, उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। और दूसरी बात, श्रद्धेय स्वामी जी ने एक बात कही, मैं उस बात को बहुत पूरे हृदय के साथ कहना चाहता हूं। जितने भी श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति गर्व करो, अपने पूर्वजों के लिए, अपने वीरों के लिए, अपने शहीदों के लिए, उनकी शहादत के लिए हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए। जब कभी आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े या कभी ऐसी कोई बात हो, तो मैं एक दो चार बातें कहना चाहता हूं। देखो, जिस तरह से महर्षि वेद व्यास, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि राजनीतिक सीमाओं में यह देश बटा, उसके बाद में जो हम इधर हैं हम भारत के हैं, जो नेपाल में हैं वो नेपाल के हैं, जो बाहर चले गए यूके में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूएसए में भी हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाली भाषा भाषी लोग सिर्फ इसी क्षेत्र में रहते हैं, वो दुनिया के कम नहीं तो 30-40 देशों के अंदर में नेपाली लोगों का आवास है, वहाँ पर निवास है, वहाँ के नागरिक हैं। तो नेपाली नागरिक जो है दुनिया के 40-50 देशों के अंदर वहाँ की नागरिकता के साथ में उस देश के लिए उसी तरह से जीते हैं और मरते हैं जहाँ वहाँ दूसरे लोग जिस तरह से उस देश के लिए सोचते हैं। मैं कहता हूँ वह ईमानदार होने की वजह से, वो स्वामी भक्त होने की वजह से वो दूसरों से ज़्यादा सोचते हैं। तो जब यहाँ हमारे तो पूर्वज यहीं से थे, हम यहीं से थे। मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, राजनीतिक सीमा से बाहर जा करके ये बहुत बड़ी बात है, नेपाल में भी यदि आज भी कोई पुरोहित हवन कराता है तो वह यह संकल्प लेता है, भारत खंडे भरतवर्षे जम्बू द्वीपे आर्यावर्तिक देश अंतर्गते, यदि भारत खंड हमारा नहीं होता तो वह उच्चारण न करता, वह उच्चारण न करता। यदि भारत खंड न होता तो यह भारत खंड के, अखंड भारत के हम अखंड वासी हैं और शुरू से लेकर के आज तक हैं और हमेशा के लिए हैं। तो देश की कल्पना, मैं कहता हूं कई लोग जब प्रश्न उठाते हैं, राजा जनक को, माता सीता को तुम कल्पना करो, अपनी संस्कृति से बाहर कर दो, सनातन वैदिक संस्कृति समाप्त हो जाएगी बिना सीता, बिना राम और बिना जनक की कल्पना की।
भगवान बुद्ध की बात सोचो, बुद्ध को निकाल दो इस देश से, तो बुद्ध निकल जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो हमको गर्व होना चाहिए, हमको गौरव होनी चाहिए कि उस परंपरा के हम संवाहक हैं। और भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्षेत्र में, इस भूभाग में, क्योंकि यह सब जानते हैं अंग्रेजों के आने से पहले यह जो भूभाग है यह कहां तक था। भारतवर्ष जब परतंत्र हुआ, भारतवर्ष भी कभी स्वतंत्र हुआ करता था, जब परतंत्रता में अनेक लोगों ने जब इसके ऊपर शासन किया, विदेशी आक्रांताएं आए, अपने अपने सामर्थ्य और अपने अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने टुकड़े टुकड़े किया, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग क्षेत्र बट गए, अंग्रेज आए तो क्षेत्र बट गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कहीं से बाहर से आए, हम जहां हैं हम आज भी इस देश के लिए जीते हैं मरते हैं और हम कहते हैं हम सबसे आगे रहते हैं, ये बड़ी बात है। मैंने उस परंपरा को ढूंढने का प्रयास किया, जब इस तरह की बातें आई कि जो गोरखाली है न केवल वो दरबान है, गोरखाली है न केवल वो बर्तन मांजता है, गोरखाली है न केवल वह, उन कार्यों के लिए भी हमको गर्व है कि हम ईमानदारी से और निष्ठा से करते हैं। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सबको यह पता होना चाहिए, उसका हमने एक पूरा लिफलेट भी बनाया हुआ था, पोस्टर भी बनाए हुए थे, वो हम आपको बाद में भी भेज देंगे। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि गौतम बुद्ध से लेकर के राजा जनक से लेकर के महर्षि विश्वामित्र से लेकर के महर्षि गौतम से लेकर के महर्षि याज्ञवल्क्य से लेकर के महर्षि वाल्मीकि से लेकर के मंडन मिश्र से लेकर के भृगु ऋषि तक, यह प्राचीन काल के सारे महापुरुष यह आपकी परंपरा के थे और वहां पैदा हुए थे। और यदि आधुनिक समय में भी देखें, चाहे वो भानुभक्त हों, ये तो इसी के नाम पर हम भानुभक्त जी के, मैंने जितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर देखी, आदि कभी भानुभक्त हों, बुद्ध धर्म के प्रचार को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाली भ्रुकुटी हो, चाहे वह दुनिया के एक अद्भुत आर्किटेक्ट अर्नी को हो, सभी उस परंपरा के थे। अब आप आओ आधुनिक भारत की मैं बात करता हूँ, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक भी यदि हम बात करें, शहीद दुर्गामल्ल जी की बात हो रही थी भारत को आजाद कराने में, और कौन भूल सकता है अरी बहादुर गुरुंग जी को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान निर्माण में लगे हुए थे उस संविधान निर्माण कर्तरी सभा के वह सदस्य थे। तो इसी तरह से बाकी कितने सारे शहीद हैं, कुछ कुछ मैं लिख करके ले आया था, शहीद पद्म थापा हों, शहीद दल बहादुर थापा हों, शहीद राम सिंह ठकुरी हों, धन सिंह थापा जी हों, शहीद प्रदीप कुमार जी हों, शहीद खड़ग बहादुर जी हों, शहीद ताम्र बहादुर हों, शहीद दल बहादुर गिरी हों, चाहे वह आसाम के अंदर पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाले श्री छविलाल उपाध्याय हों, सभी लोग इस परंपरा को, इस देश को, इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए जीते रहे हैं। हमारा खून का एक एक कतरा इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए समर्पित रहा है, हम इसको कभी ना भूलें और ना भूलते हुए स्वयं जागृत हो जाएं। जब हम अपने आप को दीनहीन समझने लग जाते हैं, जब हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि वह जाति समाप्त हो जाती है जिस जाति का अपना स्वाभिमान और गौरव खत्म हो जाता है। तो इस स्वाभिमान को जगाने के लिए, इस गौरव को जगाने के लिए यह एक आयोजन योग शिविर के माध्यम से यह प्रथम आगमन यहाँ पर हुआ है, ये समझ लेना आप सभी लोग। श्रद्धेय स्वामी जी ने यदि आज अपने चद्दर को उठा करके कहा है कि मुझे दक्षिणा के रूप में आप नशा दे दो, अपनी विकृतियाँ बुराइयाँ दे दो, ये भी एक कोई महान संत कह सकता है, पर आपका संत इतना कमजोर नहीं है, नहीं दोगे, जब तक नहीं दोगे हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो इसीलिए सुधार जितना जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, और पूरे समाज और पूरे समुदाय के लिए अच्छा है। तो अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर दार्जिलिंग में पतंजलि योगपीठ का, भारत स्वाभिमान का, हमरो स्वाभिमान का संगठनात्मक ढांचा के साथ साथ में एक बड़ा सामाजिक सरोकार के साथ कार्य यहाँ पर हो, उस कार्य के लिए आप सबकी सहभागिता,
आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, आप सबका समर्थन, सब कुछ चाहिए। यदि उसके लिए तैयार है तो श्रद्धेय स्वामी जी की प्रार्थना से हम उसको शुरू करेंगे और मुझे प्रसन्नता है क्योंकि ऐसा नेता, ऐसा सोचने मैंने तो क्योंकि बिमल जी से जब मैं पहली बार मिला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के जब दूर दूर से देखते हैं तो और कुछ दिखता है, नज़दीक में होता है तो और कुछ दिखता है। कभी दूर में जो भयानक लगते हैं नज़दीक में कोमल होते हैं, कुछ कोमल से लगते हैं वो खतरनाक होते हैं। तो जो हमारी सोच थी, और एक बात और भी बताऊं, जब हमने हमरो स्वाभिमान शुरू किया तो लोगों ने कहा, क्योंकि मैं इस शब्द को, मैं जितना गोरखाली शब्द के ऊपर गर्व करता हूं, मैं सब गोरखालियों को कहता हूं नेपाली शब्द का भी प्रयोग करो, क्योंकि नेपाली सांस्कृतिक पहचान है, हमारी भाषा और भूषा, हम उसको हम भूल नहीं सकते हैं, साथ साथ ले करके चलो। तो कई लोगों ने कहा कि आचार्य जी कहीं गोरखालैंड की जो हमारी बात है आप उसको कमजोर करने वाले लोगों के साथ तो नहीं है। मैंने कहा जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जाति और समुदाय के लिए हित की बात होगी, हम आपसे दो कदम आपको आगे ही नजर आएंगे, हम आपको पीछे नहीं मिलेंगे। और देखो हमने तो वह सीखा है, हमने जीवन में जब जीवन प्रारंभ किया था हमारे पास कुछ भी नहीं था, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कुछ भी नहीं था, हमने शून्य से शुरू किया। लंबी कहानी है, कितने हमने पापड़ वेले, कितने कष्ट को सहा, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, हमको कपड़े भी नहीं थे, नंगे पांव भी रहे, सब कुछ किया, सब कुछ सहा, भगवान ने सब तरह से मान प्रतिष्ठा सम्मान तक भी दिया, तो अपमान के उन घूंटों को भी भगवान शंकर की तरह से हम पीते रहे। श्रद्धेय स्वामी जी, क्योंकि हमने साथ निभाने का वादा किया है, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से हम क्या झेलते हैं, हमारी वजह से स्वामी जी क्या झेलते हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं, पर हम साथ साथ हैं, हमने सब कुछ देखा है, सब कुछ झेला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जीते हैं संस्कृति के लिए, सत्य के लिए, राष्ट्र के लिए, परंपरा के लिए, उसके लिए कहीं भी कुछ हो तो हम इसके लिए जीना भी जानते हैं, तो इसके लिए हम मरना भी जानते हैं। इसीलिए जीवन और मरण यह तो शाश्वत है, पर जीना और मरना, एक क्षण के लिए भी जीवन हो, लोगों के लिए आदर्श बने, चाहे एक दिन में ही मरण हो, वह भी लोगों के लिए कोई प्रेरणा देने लायक बने, यह हमारा संकल्प और सोच और विचार ऐसा ही है। इसी भाव से हम लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, नहीं तो लोग कहते हैं कि आपके पास इतने संसाधन हैं, इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोग नेतागिरी भी पैसे के लिए करते हैं, बाबागिरी भी पैसे के लिए करते हैं, व्यापार भी पैसे के लिए करते हैं, जब साधन इकट्ठा हो गया तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, पर यहाँ तो पैसे के लिए कुछ था नहीं, साधन के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए वह साधन तो उसी कार्य के लिए है जिस कार्य के लिए यह प्रारंभ किया था। इसलिए यात्रा जब तक जीवन है समाप्त होने वाली नहीं है, जब तक इस देश में पीड़ा है, दर्द है, दारिद्र्य है, अभाव है, दुख है, अशांति है, कहीं पर भी कहीं इनजस्टिस है, न्याय का अभाव है, तब तक पूरी तरह से पतंजलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा और हम उसी तरह से इस देश को जगाने का कार्य करते रहेंगे। उसके लिए चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, चाहे हमको सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे लोग सत्कार करें, चाहे अपमान करें, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य उनसे बहुत परे है, उनसे बहुत आगे है। तो मैंने देखा विमल जी को, तो मुझको लगा कि नहीं, इनके अंदर एक भावना है, एक जज्बा है, संवेदना है। तो आपकी भावना थी, प्रेम जी और बाकी मुरलीधर जी भी इधर बैठे हैं, बाकी भाई लोग हैं, डीजीपी साहब बैठे हैं। शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया, इसीलिए हमने हमरो स्वाभिमान के संस्थान के अंदर हमरो गौरव के रूप में हमने सम्मान भी शुरू किया था। ये पहली बार हुआ, ये बैठे थे डीजीपी साहब थे, जज साहब थे हमारे। दूसरे जब जो गोरखाली नेपाली समुदाय के आप समझ लो 10-12 लोगों को, ये भी इतने डर डर के गए थे, यदि हमने नेपाली शब्द बोला तो कहीं मेरे को वहां से निकाल न दें, बाहर ना कर दें। अरे मैंने कहा अच्छे काम के लिए आपको पूरी तरह से उतरना पड़ेगा, डरोगे, डर डर के लगोगे तो फिर उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी लगे थे, जितने मन से लगे थे, पूरी ताकत से सब कुछ खोने के लिए तैयार रहोगे तो मिलेगा भी तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर आधा ही मिलेगा। पूरा चाहिए,
पूरा खोने के लिए तैयार रही है। तब हमने जो कार्यक्रम कर करके आस्था के माध्यम से पूरे देश में दिखाया, तब लोगों को पता चला कि गोरखाली नेपाली समुदाय में भी इस देश के लिए बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े राष्ट्रवादी हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बड़े समर्पित लोग हैं। इस चीज को हमने पूरे जोर के साथ पूरे देश के लोगों को बताया। इसको अभी और आगे बढ़ाना है, बहुत करना है, ठीक है। इस जगह के लिए, इस जमीन के लिए जगह पर रह करके हमको आगे बढ़ना है, पर पूरे देश में पहचान के लिए पूरे देश में जाकर के कोने कोने में फिर भी हमको काम करना है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, और मैं समझता हूं कि अब भगवान की शायद यह इच्छा है कि जो यह समय आ गया है, वह जो आपका सोच है, जो संकल्प है, वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो। आपका सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, और साथ दोगे, जितना साथ दोगे दार्जिलिंग में, फिर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। हम लोग गौरव सम्मान इस बार भी देने वाले हैं 19 तारीख को, तो वह भी कार्यक्रम होगा। तो मुझको तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी भावनाओं को हम पढ़ पा रहे हैं। संभवतः यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी का आगमन आपके लिए बहुत बड़ा सौगात और बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के आया है। यह आप महसूस करोगे तो वह सौभाग्य आपको अवश्य मिलेगा। ओम शम।